नमस्कार, मैं हूं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका हमारे चैनल समर्थ सहारा में। आज हम आपको प्रदेश की सभी छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। शहडोल जिले में नशे के खिलाफ पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिले के पुलिस कप्तान अवधेश गोस्वामी के दिशा निर्देशन में नशे की तस्करी करने वाले अंतर्राज्य गिरोह से पुलिस ने 8 क्विंटल गांजा बरामद किया है। पकड़े गए आरोपी जिले की सीमा से होकर नशे की यह खेप रीवा ले जा रहे थे। इस कार्रवाई में पुलिस ने 2 ट्रक, 1 ब्रेजा कार, 1 बाइक सहित 9 मोबाइल व 85,000 रुपए नगद सहित 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में हुई कार्रवाई में पुलिस ने मुखबिर से सूचना के आधार पर ट्रक क्रमांक CG16CK0339 से 3 क्विंटल 8 किलो, वही ट्रक क्रमांक CG04AHY1173 से 288 किलो गांजा बरामद किया है। आरोपी नशे की खेप अलग अलग रास्तों से रीवा व अन्य स्थानों पर ले जाकर खपाया करते थे। नशे के खिलाफ हुई इस बड़ी कार्रवाई में आरोपियों पर जिले के अमलाई, सुहागपुर व जयसिंह नगर थानों में 8/20 NDPS के तहत अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। ये लंबे समय से ये सूचना थी कि शहडोल को गांजा तस्कर शहडोल के रास्ते से बुंदेलखंड बघेलखंड में सानी गांजे की सप्लाई कर रहे हैं, तो इसी सूचना पे जो है वो डेवलप किया गया और रात में एक बड़ी कामयाबी मिली। अमलई थाने में एक ट्रक पकड़ा गया छत्तीसगढ़ का, और जिसमें काफ़ी मात्रा में गांजा बरामद हुआ। जब पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उनके साथ एक और ट्रक है जो उनके आगे चल रहा था। ये तत्काल घेराबंदी करके सुहागपुर में दूसरा ट्रक पकड़ा गया, और पूछताछ में ज्ञात हुआ कि एक ब्रेजा गाड़ी और एक मोटरसाइकिल भी इनकी पायलटिंग में थी। तो घेराबंदी में फिर वो दोनों गाड़ियां जयसिंह नगर में पकड़ी गई। सभी गाड़ियों में भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ है। कुल गांजा लगभग 7 क्विंटल बरामद हुआ है सभी गाड़ियों से मिला के, और 11 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए। हाँ, इसमें अभी हम लोग और पूछताछ कर रहे हैं, संभवतः कल परसों में और आरोपियों की गिरफ्तारी संभव। तो चलिए, हमारे साथ इस खबर में इतना ही। बाकी प्रदेश की खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।